नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो या फ्लक्स जो शब्द लिया गया है वो एक प्रकार के फ्लो से लिया गया है। फ्लो का एक प्रकार का मतलब बहना, बहाव। बहाव जो है उसका दूसरा शब्द क्या लिया है, फ्लक्स लिया गया है, फ्लक्स। तो फ्लक्स की जो डेफिनेशन है, फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है कि यदि यदि अपन क्या करते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक सरफेस रखते हैं, मान लो एक सरफेस रखा हुआ है, देखो आप सरफेस दिख रहा हुआ है, एक सरफेस रखते हैं, तो उससे उससे होकर गुजर लंबवत होकर गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, पासिंग थ्रू नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। तो इसको अपन डिनोट करते हैं किससे, फाई से। फाई का मतलब जीरो नहीं है, यहाँ पर फाई फाई से डिनोट करते हैं, फाई से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई इस प्रकार से डी फाई, ये जो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर एक अल्प एरियल, अल्प क्षेत्रफल लिया है, अल्प एरिया लिया हुआ है डीएस। तो जो फ्लक्स होता है वो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीपल होता है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद फ्लक्स। तो यदि यदि डीएस जो डीएस है, डीएस और ई के बीच का एंगल जीरो है तो डी फाई इज इक्वल टू एडीएस लिखते हैं, और यदि एंगल थीटा है तो क्या लिखते हैं, डी फाई इज इक्वल टू एडीएस कॉस थीटा लिखा जाता है। और टोटल फ्लक्स की बात की जाए, टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होता है, सरफेस इंटीग्रेशन ईडीएस इस प्रकार से, या फिर यहां पर लिखे तो फाई फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई, सरफेस इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा इस प्रकार से लिखा जाता है, यहां पर ईडीएस, यहां पर ईडीएस कॉस थीटा। तो फाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर इस प्रकार से, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो कॉस थीटा जो डॉट लगेगा तो वो थीटा पर डिपेंडेंट है, थीटा पर इस प्रकार से बात होती है। तो क्या होता है, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, थीटा पर डिपेंडेंट है तो ईडीएस कॉस थीटा, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। तो फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ये ध्यान रखें, स्केलर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन अभी आया है इस बार, स्केलर क्वांटिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगी, कैसे निकालेंगे यूनिट, यूनिट डिपेंड करती फॉर्मूले पर। तो ई और डीएस, ई का ई की यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया की क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्या होगा, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर पर कूलम इस प्रकार से। इसकी अब डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, विमी सूत्र निकालना है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, तो न्यूटन के लिए एम एल टी माइनस टू, और मीटर के लिए एल स्क्वायर अपॉन कूलम के लिए ए टी, कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो एम एल थ्री, एल थ्री टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ऐसा हो जाएगा, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए इनवर्स, ये विमी सूत्र आ गया। इस प्रकार से आपको क्या है बताना है, ये फ्लक्स है, इसका यूज अपन करेंगे, गॉस की प्रमेय में इसका यूज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्लक्स जो है वो है कुछ नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है,
कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है, किससे गुजरने वाली, किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, किसी सरफेस से होकर गुजरने वाली नॉर्मली। तो उस यदि नॉर्मली की बात करें, इससे मान लो उसको अपन टर्न कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, डीएस कॉस थीटा कंपोनेंट उसका यूज करना पड़ता है, डीएस कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, क्षैतिज घटक है, डीएस कॉस थीटा यहां पर यूज करना पड़ता है। तो इस प्रकार से है ना आप इसको विद्युत फ्लक्स को और समझ सकते हैं।